पे टेक्निकल इशू प्रॉब्लम। सो गाइस के आप लोगों को भी अपने फोन पे के अंदर टेक्निकल इशू टेक्निकल एरर देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये टेक्निकल एरर देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको ये वाली प्रॉब्लम मिल रही होगी जिसमें लिखा हुआ है अनेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो अपनी फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको ये प्रॉब्लम मिल रही है। एक तो अनेबल लोड अकाउंट बैलेंस और यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर, और साथ में दूसरी जो प्रॉब्लम है वो मिल रही है आपको टेक्निकल एरर बैंक की तरफ से जिसमें आपका बैंक शो करता है प्लीज ट्राई सम टाइम और या आपको इस तरह से शो करता है। तो आप इन दोनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो अपनी फोन पे एप्लीकेशन के अंदर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे आप इस वीडियो को 2023 में देख रहे हो 24 में देख रहे हो तो चले गए आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करा देते हैं आपके फोन पे में। तो चलिए मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है और गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है फोन पे एप्लीकेशन के अंदर तो मेक श्योर कर लेना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे आपको प्रेस कर लेना है। तो इतना सा छोटा काम आपको अपने भाई के लिए जरूर से कर लेना है। तो सबसे पहले ट्रिक यहां पे क्या है, कैसे आपको फोन पे के अंदर टेक्निकल एरर और यहां पे टेक्निकल इशू को कैसे सॉल्व करना है और अनेबल टू लोड बैंक बैलेंस को कैसे फिक्स करना है दोनों प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है। पहले ट्रिक आपको बता रहा हूं, यहां पे प्ले स्टोर पे जाना है, क्लिक करना है आपको सर्च वाली बार पे और यहाँ पे अपने जो फोन पे है उसको ओपन करना है, टैप करना है और यहाँ पे जो आपका फोन पे एप्लीकेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अगर आपको फोन पे एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा है इसमें क्या होगा कि आपका जो भी टेक्निकल एरर आ रहा है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपडेट करने से वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, जो भी ग्लिच रहता है जो भी बग्स रहता है। सबसे पहले ट्रिक में यही करना है आपको, अपने जो फोन पे एप्लीकेशन है वो अपडेट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इससे अगर पहले ट्रिक से नहीं होता है तो मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। पहले ट्रिक में तो यही करना है अपने फोन पे को जो है आपको अपडेट कर लेना है। फोन पे जैसे आप अपडेट करोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। तो मेरा जो फोन पे है वो अपडेट यहाँ पे हो रहा है मेरे भाई। तो मेरे भाई पहले ट्रिक में तो आपको अपने फोन पे को ही अपडेट कर लेना है, ठीक है। फोन पे अपडेट करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ, अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो दूसरी ट्रिक में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा अपनी जो फोन पे एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, टैप करना है। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग जैसे आपके सामने आएंगी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोन स्टोरेज आएगा आपको तो उस पर क्लिक कर देना है और अपने जो फोन पे का आपको एक बार क्लियर ऑल डेटा सारा का सारा आपको कर देना है। क्लियर ऑल डेटा करने से क्या होगा कि जो भी ग्लिचेज या कोई भी बग्स रहता है आपके फोन पे एप्लीकेशन के अंदर वो फिक्स हो जाएगा। आप टेंशन मत लेना, कभी आप सोचे कि एटीएम कार्ड यूपीआई दोबारा से फिर से हमें सेट करना पड़ेगा, नहीं मेरे भाई। जब आपके नंबर पे एक बार सेट हो जाएगा तो आपको मोबाइल दोबारा से नंबर डाल के लॉगिन करना है और आपकी जो प्रॉब्लम वो आपको फिक्स मिलेगी 100-100%, ठीक है। अब यहां पे देखो अगर फिर भी नहीं हो रहा तो डेटा यूज पे क्लिक करना है। अब ये 304 सेटिंग जो आपको यहां पे नीचे मिलती है इनको स्क्रॉल करके आपको दोबारा से रीओपन करना है मेरे भाई। अब यहां पे बैक करना है, फिर आपको ये रिस्ट्रिक्ट डेटा यूज मिलता है, इन दो सेटिंग को आपको ऑफ करके दोबारा से रीओपन कर देना है। अब ओके पे क्लिक करना है, ओके पे जैसे आप क्लिक करोगे अब बैक करना है अपने फोन पे को। फोन पे को बैक करने के बाद यहां पे देखो अपनी सेटिंग से बैक करना है, फोन पे भी बैक कर देना है। अब दोबारा से अपना जो रिसेंट से आपको फोन पे ओपन करना है, ठीक है। अब फोन पे जैसे आप ओपन करोगे अब यहां पे देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे बैंक बैलेंस चेक करोगे अपना पिन डाल के कोई भी टेक्निकल या कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, चेक बैलेंस पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पे देखो बैलेंस आ चुका है। अब यहां पे देखो मैं अपना यूपीआई सेट करूंगा, यूपीआई जैसे मैं सेट करूंगा मेरे भाई, यूपीआई जैसे मैंने सेट कर दिया, यूपीआई सेट करने के बाद देखो राइट वाले कॉर्नर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हो ये फिनिशिंग बैलेंस यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो मेरे जो बैलेंस है वो जितना भी मेरा ऐड होगा मेरे अकाउंट में यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है। तो इस तरह से देख सकते हो बैलेंस आपका शो हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फोन पे के अंदर जो टेक्निकल एरर आ रहा है अनेबल टू लोड प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व कर सकते हो इजीली। अगर दोस्तों अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो सिंपल से सेटिंग में जाना है आपको और यहाँ पे सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है, अपनी जो सिम यूज कर रहे हो आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है, इसको रिसेट पे क्लिक कर देना है। इसे रिसेट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो नेटवर्क इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यानी कि फोन पे में नेटवर्क टेक्निकल जो भी आता है इशू आता है एरर आता है उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप 1-2 घंटा वेट कर लो, आपकी जो प्रॉब्लम है फोन पे एप्लीकेशन की तरफ से ऑटोमेटली सॉल्व हो जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार भी कर लो मेरे भाई, आपकी ऑटोमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। जैसे मेरे भाई आप अनेबल टू लोड बैंक बैलेंस जो आपको आता है एरर और टेक्निकल इशू जो आपको देखने को मिलते हैं आपकी फोन पे एप्लीकेशन के अंदर, तो दोनों प्रॉब्लम को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो अपनी फोन पे में जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। और दोस्तों अगर अभी भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ये फोन पे का थोड़ा बग्स हो सकता है, कभी कभार फोन पे के जो सर्वर है वो डाउन हो जाते हैं और बैंक के भी सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वेट करो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मेक श्योर कर लेना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय मेरे दोस्तों यहाँ पे।